बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंग देखी होंगी, लेकिन जो बिल्डिंग अभी अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों ने एक ग्रीन कलर का पर्दा भी देखा होगा। उस आधी अधूरी बिल्डिंग को देख के सवाल आता है मन में कि यहाँ पे ग्रीन कलर का पर्दा यूज क्यों होता है, क्या यहाँ पे किसी हॉलीवुड मूवी की शूटिंग चल रही है? और सबसे बड़ी बात है, ग्रीन कलर का पर्दा ही क्यों यूज होता है उस बिल्डिंग के ऊपर, किसी दूसरे कलर का पर्दा भी यूज हो सकता है, क्या है इसके पीछे लॉजिक, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला रीजन है, जो बिल्डिंग बन रही है वहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, और ऐसे में धूल मिट्टी बिल्डिंग के अंदर ना जाए और वहां पे लोग अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए वहां पे उस बिल्डिंग को ढक दिया जाता है ताकि अंदर के लोग अच्छे से काम कर सके। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एक्सीडेंट। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो रोड के पास बनती है और लोगों का ध्यान बिल्डिंग के ऊपर ना जाए, इसके लिए उस बिल्डिंग को ढक दिया जाता है ताकि लोग अपनी ड्राइविंग के ऊपर फोकस कर सके। और ग्रीन कलर इसलिए भी यूज किया जाता है कि ग्रीन कलर जो है वो रात के अंधेरे में भी थोड़ी सी लाइट में अच्छे से दिख जाता है और रात को भी लोग अवेयर हो सके कि यहाँ पे काम चल रहा है, गाड़ी वगैरह आराम से चलानी चाहिए। इसका तीसरा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। जब लोग ऊंची बिल्डिंग पे काम करते हैं तो वहां पे उनको हाइट से डर लगता है और इंसान वहां पे काम करते करते गिर भी सकता है, और इसके लिए ग्रीन कलर का पर्दा यूज किया जाता है ताकि उस बंदे को नीचे देखने पे एक अच्छी फीलिंग आए, क्योंकि ग्रीन कलर हमेशा आंखों को एक सुकून देता है और वो डर को कम करता है, और इसीलिए उस इंसान को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए और काम पे फोकस करने के लिए ग्रीन कलर का यूज होता है। क्या इससे पहले ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।